देखो 3.2 का पहला सवाल है। देखो यहां से कैसे कैसा हल करना है ग्राफ ये विधि से, जिस समीकरण को ग्राफ पूछना है, कहा खींचना है ग्राफ। क्वेश्चन का है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ करना है लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, माना कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्रमशः x एवं y है। तो लिखो पहले नंबर पे, लिखो जल्दी पर रफ कॉपी में नोट करो। माना कि लड़का एवं लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या क्रमशः एक्स एवं वाई है, एक्स एवं वाई है। क्वेश्चन में कहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कितने विद्यार्थियों ने, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अपा समीकरण का बन जाओ एक्स प्लस वाई बराबर 10। का बन जाओ का 10 विद्यार्थियों ने और लड़का लड़की दोनों है, तो अपन ने माना लड़का मान लो अपन ने एक्स और लड़कियां मान ली वाई, तो एक्स प्लस वाई दोनों मिला के कुल कितने हैं 10। ठीक है, जो होगा जो बन रहा होगा समीकरण नंबर 1। अब यदि अंका क्वेश्चन, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या से कितने अधिक है, 4 अधिक है, यानी कि जो पहले से 4 अधिक है तो प्लस 4, लड़कों की संख्या में 4 को 4 जोड़ दो, 4 कितने का अधिक है। ठीक है, अब समीकरण नंबर जो 1 है, ठीक है, और जो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 से भाग मान निकालो, तो y बराबर कहाँ, पहले ऐसा करो जा मिटा दो, ठीक है, पहले जाको भाग मान निकाल लो, y बराबर 10 x से कर जाओ कई को जाओ पचहत्तर करेंगे माइनस के जो भाग मान निकले। अब क्या है, लड़कों लड़कियों की संख्या, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है 4 अधिक, तो जहां मैं 4 जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2, ज समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, और जो 2, तो अब क्या हो जाओ, अब क्या हो जाओ, बस बाय के एक्स को मान मान के चलेंगे और बाय को मान निकाल के चले आओ। कैसे है, देखो बॉक्स ना एक्स समीकरण 1 से निकालो पहले, जे एक्स बाय को मान कितनेगा समीकरण 1 में 10 माइनस के एक्स, 10 माइनस के एक्स, बहुत सुना था, अगर x को मान कितने मान ले 4 मान ले, कितने मान ले 4, तो y को मान कितने निकल आओ 6, कैसे हैं 10 में से 6 चले जाएंगे, कितने बचेंगे, सॉरी 4 मानेंगे तो कितने बचेंगे 6, 10 में से 4 गए 6, तो y को मान 6 निकल आओ। जैसे ही अगर x को मान 6 मान ले तो y को मान कितने निकल आओ 4,
चार, आएंगे दस में से छह चले जाएंगे तो चार। यदि x को मान जीरो मान ले तो y को मान कितने का ले आओ दस। ऐसे एक दूसरे समीकरण से निकालो y बराबर कितने का वहां में x प्लस के चार। यदि x को मान जीरो मान लो तो y को मान कितने लगा ले आओ चार। यदि x को मान दो अपन ने दो मान ला तो कितने x y को मान कितने निकले हो चार और दो छह। यदि x को मान तीन तीन मान लो तो y को मान सात, चार और तीन सात जुड़ जाएंगे जब फिर फुट हो जाएगी ठीक है। इतना निकाल लिया अपन ने। अब ग्राफ खींचेंगे जाओ, क्या खींचेंगे ग्राफ। समीकरण एक से अपन ने कहा था निकालना, समीकरण एक से जहां पहले लिख लो ऊपर एक्स को मान एक, समीकरण एक से अपन ने एक कितना मान बताओ होगा कितने लगो जीरो मान कितना मानो चार मानो तो बाय को मान कितने निकलो बाय को छह छह। और एक्स को मान छह मानो तो बाय को कितने मान निकलो चार चार। और जीरो मानो तब दस दस। ऐसे ही समीकरण दो दो से का प्राप्त करो अपन ने बाय को मान अपन ने जीरो मान सॉरी एक्स को मान जीरो मान तो बाय को मान कितने निकलो चार कितने निकलो चार चार। और एक्स को मान अपन ने मानो दो तो बाय को मान कितने निकलो छह छह। और एक्स को मान मानो तीन तीन तो बाय को मान निकलो सात ठीक है। जाके आधार पे ग्राफ खींचो। ग्राफ कैसा खींचेंगे स्केल पेन चाहिए तुम्हें स्केल चाहिए है? देखो ऐसा खांचो एक लाइन जे एक्स अपना और जे एक्स डैश एक जे लाइन खांचो सीधी बीच में से इस लाइन के बीच में से जे बाय और जे बाय डैश जमान लो बाय और जमान लो बाय डैश। इधर चलाएंगे प्लस की संख्या है इधर चलाएंगे माइनस की इधर चलाएंगे प्लस की और इधर माइनस की। लाइन लगा लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हमने अंदाज लगा ली तुम इसके से लगे लो ठीक है। अब ऊपर लगाएं एक दो तीन चार पाँच थोड़ा दूर दूर कर लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस ये अपनी दस हो गई ठीक है। ऐसे गिनती कर लो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इधर इधर दस हो गई इधर नीचे करो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अब ग्राफ देखो अपना ग्राफ चार छ अपने चार एक्स को मान है जो बाय को मान है तो एक्स को प्लस में आना है माइनस नहीं लगो तो चार एक दो तीन चार ऐसे और छ बाय को ऊपर जाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ तो जैसे और चार का है जे अपना जो सीधी बुंदी जाएगी स्केल से बढ़िया जै अपने एक बिंदु प्राप्त हो जाएगा ठीक है। फिर छ और चार छ एक्स पे पाँच छ तो जैसे और चार एक दो तीन चार चार ले रहा हूँ सीढ़ी लगी हो जाते स्केल से ठीक है। तो जय आ गए बिंदु जाओगे एक बिंदु प्राप्त हो जाओगे ठीक है।
ठीक है, जम आओ सही से कर लो आगे, फिर जीरो दस एक्स को मान जीरो, जीरो मतलब जेम, और ऊपर दस जाओ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस जे प्राप्त होगा तुम्हें, ठीक है दस पे। अब एक सीधी लाइन खींच दो, कैसी लाइन खींच दो, सीधी लाइन जीवन पे, कैसी लाइन सीधी लाइन, देखो आ रही है सीधी लाइन, देखो हमने अंदाज से होना फिर भी सही आ गई ना, बिंदु ने काटते हुए चली जाए। अब देखो जीरो से चार, कहां से जीरो से चार, जे जीरो और जे चार यानी कि जे और जीरो जो यानी कि जे एक बिंदु आ हुआ, ठीक है, और दो से छ, दो एक्स पे एक दो दो जे लांगे और छ से आ गया भाई, ठीक है जहाँ से लाइन सीधी आ गई जे बिंदु जाओ बजाओ। अब तीन और सात, तीन जैसे गिनो और सात ऊपर गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात जैसे, ठीक है जाए अपनी बिंदु और तीन जे गई पे सीधी गई, सीधी लाइन गई अब जहाँ आ गया अपना एक बिंदु आ गया जो लाइन पे, ठीक है जो लाइन पे बिंदु आ गया। अब देखो जिबिंदु और जिबिंदु और जिबिंदु एक सीधी रेखा में कटे चले जाओगे ना, जो हमने मिस्टेक करोगे थोड़ी सी बिना ना पे बना हुआ है, जिबिंदु सही कहाँ आओ जहाँ आओ, ठीक है तो देखो इसके लिए जगह हम अपने डंडा को यूज कर रहे हैं, देखो जिबिंदु सीधी काटते हुए चली जाएगी, जिबिंदु जिबिंदु है और जिबिंदु है खड़ा वो काटते हुए, अब जब वो समुच्चय हल्का है जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं उस बिंदु को इस समीकरण का समुच्च बिंदु कहते हैं, तो लिख लो नीचे भाषा लिख लो जल्दी लिखो, जिस बिंदु पर देखो जहां लिख रहे हम तुम जहां लिखी हो ग्राफ के नीचे है, जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती होगी जाती हैं, एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं, वह बिंदु इस समीकरण का समुच्च हल होगा, वो बिंदु कौन सा है देखो, एक दो तीन, ठीक है तीन और ऊपर सात, तीन सात कौन सा है तो समुच्च बिंदु कौन सा है, तीन कोमा सात। अब देखो जैसे अपन उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन लगा रही थी
क्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, लड़कों की संख्या से चार अधिक है? लड़कों की संख्या से कितने अधिक है? चार अधिक है, चार अधिक है, चार अधिक है। तो देखो ये अपनी चार अधिक है, एक्स को मान बाय, मतलब एक्स को मान तीन और बाय को मान सात। तो क्वेश्चन में बताई थी कि यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक है तो इसका ग्राफ या आरेख बनाइए। तो यानी कि अपना उत्तर सही है, लड़की लड़कों की संख्या अपन ने एक्स मानी थी तो एक्स कितना आ रहा है? तीन। और लड़कियों की संख्या बाय मानी थी तो बाघ मान कितना आ रहा है? सात। यानी कि अपना ग्राफ सही है, अपना सवाल भी सही है। हुआ नोट मिटाल दे, ठीक। जल्दी करो, कितो सही हो नहीं हो जाए स्केल से लाइन। हमने जब डंडे से बना रहा,